मैं हूँ गियर विल्स और मैं आया हूँ एक ऐसी अनोखी जगह जहाँ पर सिर्फ मैं आपको चूतिया बनाता रहूँ और आप बहन चो चूतिया बनते रहोगे। सो गाइस मैं हूँ गियर विल्स और आज मैं आया हूँ ऑस्ट्रेलिया के ऐसे जंगलों में जहाँ पे आप भेंचू आ नहीं सकते, आपकी औकात ही नहीं है। तो मैं अभी एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग ऐसे जंगलों फंस जाओ तो कुछ खाने के लिए जाना, मेरी तरह चूतिया मत बने रहना। और मैं कुछ दिखा रहा हूँ, मुझे एक ऐसी जगह दिखी है, आओ देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों ऐसे पहाड़ों में आपका जीना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो चूतिया हूँ, आप सभी को चूतिया काट रहा हूँ, अभी जाऊँगा कोने में चुपके कुछ खाया हूँगा। और मैं आप सभी को यहाँ पर कुछ दिखाने आया हूँ, वैसे यहाँ पर कुछ खाने के लिए है। मैं नज़र मार रहा था, मुझे खुशबू आई तो मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ। देखिए इधर ये मुझे एक खाने का पैकेट मिला है, देखिए ये क्या लिखा है, पढ़ना भाई साहब। भोसड़ी के उल्टा पकड़ रखा उसे सीधा कर। हाँ तो मैं भोसड़ी ये लिखा है इसमें मुरानो लिखा वो ये हिंदी कर ले क्या, कट कर दे कट। कुछ कैसे रखे हैं भाई मेरे पास, ये लोग चूते हैं भाई, इनकी बातें बताओ। ये मुरानो मुरानो कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ पैसे हैं चाची दुकान पे 10 रुपए का चखना लेके आते हैं। चल मारेंगे चल क्या चल कर। तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी झाट के बाद उनके अलावा कुछ नहीं मिला, वो मेरे पल्ले पड़ा नहीं। थोड़ी सी झाट के बाद समझ में आए वो किसी मोटे मोटे थे, समझ जाओ किसके होंगे, मोटे ज़्यादा मोटे नहीं थे। ऐसे हालातों में अपने आप को डिहाइड्रेशन और गर्मी की मार से बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मुझे टाइम पे 2 वक्त खाना और पर्याप्त मात्रा में मेरे को गांजा मिल गया था। ऐसे माहौल में जाने वाले, ऐसी जगह पे घूमने जाने वाले जहाँ पे पानी खाना कुछ भी नहीं है, हरियाली तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अबे भोसड़ी का कौवा